जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, हम अल्बर्टा की सुंदर सड़कों पर बैंफ के लिए निकले थे, जहां हमारा सबसे पहला स्पॉट हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया 8000 फीट की हाइट पर जाके हाइकिंग की। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट ग्रासी लेक्स की तरफ, जो कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। और फिर हम जाएंगे केप बेसिन, जहाँ से बैंफ का ओरिजिन हुआ था और बैंफ के सबसे पहले होटल। चलिए आज का एपिसोड शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। वेलकम बैक अगेन। अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रासी लेक, जो पहले जाना था हम लोगों को, पर वो हालिंग पीक चले गए हम लोग, तो फिर यहाँ मिले। तो ये यहाँ पर वाटरफॉल है और पीछे मेरे को दिख रहा है एक्चुअली ये भी ट्रेल है 1.7 किलोमीटर्स की। तो आज चल तो बहुत ही है, तो बैंड बज गई है कमर की। ये देखो पीछे अभी दिखाता हूँ। ग्रासी लेक्स पर जाने के लिए फिर से एक छोटी सी ट्रेल है, जो कि सिंपल ट्रेल है 1.7 किलोमीटर्स की। ग्रासी लेक्स का नाम पड़ा है लॉरेंस ग्रासी के नेम पर, जो कि कनाडा आए थे इटली से 1912 में। 1960 में उन्होंने कैनेमोर को अपना घर बना लिया और कोल माइंस में काम करना शुरू किया, और शादी न करके उन्होंने अपना प्यार माउंटेन्स को मान लिया। उन्होंने स्टार्ट किया था ग्रासी के ओरिजिनल स्टेयर्स को बनाना उस टाइम पर, और फिर उन्होंने ट्रेल्स भी बनाए हैं जो कि लेक लुइस और लेक ओहारा के पास है, और उसके बाद तो उन्होंने अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज करा लिया। देखो भाई, एक बंदा तो ऊपर चढ़ रहा है, ये देखो। इतनी हिम्मत नहीं है अपने में। चलो चलते हैं, वहाँ से होके आए हैं। देखो टॉप पे बंदे, काफ़ी हुआ है, चला गया था। वो भी निकलते हैं फटाफट होटल की तरफ, चेक इन करते हैं। लेट हो गए काफ़ी वैसे, और चेक इन करके डिनर पैलेस में देखते हैं क्या है। अभी हम लोग थोड़ा सा बैंफ टाउन में घूम रहे हैं, देखते हैं क्या है। थोड़ी बहुत वॉक करेंगे, उसके बाद डिनर करना है और फिर चलते हैं। बैंफ सिटी 1880s में एस्टेब्लिश हुआ था टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ की जो व्यू है, जो चारों तरफ सीनिक माउंटेन का व्यू है, उसकी वजह से। अच्छा, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में बहुत लंबी लाइन है, स्पेसिफिकली इंडियन रेस्टोरेंट्स में 1 घंटे तक का वेटिंग टाइम है। हम लोग 45 मिनट से अपना नंबर लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया है। तो कीप इन माइंड कि अगर वेज खाना है और इंडियन ही खाना है, तो ये बहुत छोटा सा सिटी है, डाउन टाउन बहुत छोटा सा है, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है मस्त, रात को सोए हैं भाई। जो पैर में दर्द हो रहा था, जो नींद आई है ना, मजा ही आ गया। और ये हमारा यहाँ पे डॉर्म है जहाँ पे हम रुके हैं। ये एक्चुअली मतलब डॉर्म्स है ना, वहाँ पे रुके हैं हम। इस बार दिखाता हूँ मैं। फिर ये हमारा पैंपरपाइन सेंटर, ये हमारा रूम था लास्ट नाइट के लिए। 4 बेड यहाँ पे हैं, 2 बेड यहाँ पे हैं, 6 बेड हैं यहाँ पे। बाकी लोग रह रहे थे, ये एक मेरा दोस्त और मैं ऊपर रह रहा था, ताकि यहाँ से व्यू भी ज़बरदस्ती आ रहा था ना। और ये किलो की एक बेड हमको मिला है $60 पर नाइट। तो अगर हम लोग होटल लेते प्रॉपर तो 12 बज जाते थे। बहुत महंगी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर।
सो गाइस रेडी हो गए हैं जाने के लिए नई जगह पे। अभी देख रहे हैं हम लोग सल्फर माउंटेन और केव बेसिन, जहाँ से पैम्फ का ओरिजिन हुआ था, वहाँ पे जाने का। तो जाके देखते हैं, पहले वहाँ जाते हैं या बीच में कोई और जगह मिल जाएगी तो वो रुक जाते हैं हम हर बार इधर है। तो चल चलते हैं केव बेसिन। सबसे पहले केव बेसिन की हिस्ट्री दिखाता हूँ पढ़ के, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। केव बेसिन से बैम्फ नेशनल पार्क का ओरिजिन हुआ था, जब दो भाइयों और उनके एक पार्टनर ने केव बेसिन की खोज सल्फर माउंटेन्स के लोअर स्लोप्स में की। इससे पहले भी यहाँ कुछ लोग आए थे, पर ये तीन लोग वो थे जिन्होंने इस केव पर गवर्नमेंट का अटेंशन लाया और इस पोटेंशियल को समझाया कि थर्मल हॉट स्प्रिंग्स क्या है। केव की एंट्री और रॉक सीलिंग। ये छोटा सा केव, वहां से ऊपर से वो लोग आके देखे थे उसको, ढूंढा था। इनके पास भी कैमरा था भी। तो भाई पूरे ही अल्बर्टा में सारा माउंटेन का ये वो एरिया है जिन्होंने जहाँ से रोड ढूंढा था, और ये जो हम लोग नीचे से देख रहे थे ना, ये वाला एरिया था। अभी हम लोग ऊपर तक जा रहे हैं, अपर फॉल से ऊपर ना, वहाँ पे जाके देखते हैं। यहाँ पर अब जगह जगह पर ये छोटे छोटे पूल्स हैं जहाँ पर इंडिजीनियस स्पीसीज ने अपना घर बना लिया है। अब पहले यहाँ पर वो लोग बाथ लिया करते थे और एंजॉय किया करते थे। बैम्फ का सबसे पहला होटल है जो दो दोस्तों ने खोला था 1883 में। तो यहाँ पर ओकेजनली दो तीन लोग विजिट करते थे और उसके बाद फिर ये हिस्टोरिक प्लेस में कन्वर्ट हो गया। तो इन्होंने सारे मार्क कर रखे हैं, ब्रेड पायलट कोरी नॉर के कास्केड एलमर इंग्लिश गिलगार्ड। सो बेसिकली दैट इज कास्केड, एंड फिर ये वाला है नॉर के, एंड फिर उसके बगल में कोरी पायलट और वो ब्रेड, और इस साइड में है ये एलमर इंग्लिश और गिलगार्ड। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे ना ये चाहिए होता है पार्क में, जैसे बैम्फ में घुसोगे या जैस्पर में भी जाओगे ना, तो ये पार्क ये पास लगेगा। ये पास $21 का है पर डे का, तो हमने दो दिन का लिया था, अभी ये 11 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, वापस लेना पड़ेगा। तो आपको बैम्फ जैस्पर कहीं पे भी घूमना है ना, तो ये पास आपको गाड़ी पे लगा के ही रखना पड़ेगा।